हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचर केयर। ये देख लीजिए जूनिपर का पौधा, थोड़ा सा पीलेपन में है। बरसात के दिनों में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के दिखाई थी, जिससे मैंने ये कहा था कि अगर आपको अपने प्लांट को बुशी बनाना है तो आपने ऊपर से इसकी कटिंग कर देनी है। और मैंने ये कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद ये प्लांट देखिए कितना बुशी हो चुका है और कितना भरा भरा सा लग रहा है। तो इसका जो है हल्का सा गोल्डन कलर है। वैसे तो जूनिपर दो कलर का होता है, दो टाइप के होते हैं, एक गोल्डन जूनिपर और एक ग्रीन वाला। बट ये गोल्डन जूनिपर नहीं है, ये है तो ग्रीन वाला है, बट इसके पीले होने का कारण है सर्दी के दिन। सर्दी के दिनों में इसमें हल्का सा पीलापन आया, जैसे जैसे गर्मी होगी ये हरा होता चला जाएगा, और बरसात के दिनों में तो ये बहुत ही अच्छा और बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। ये देख लीजिए कितना बुशी है। बट अभी मैंने सोचा कि अब इसको बुशी ना बनाते हुए एक डिफरेंट कलर और डिफरेंट टाइप का मैं इसमें शेप दूंगी, तो इसलिए मैंने इसके स्टम्स को नीचे से काटने का सोचा। ये देख लीजिए ये सारे, अब मैं इसके नीचे से यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जैसा आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए हमें नीचे से इसके स्टम के पास के जितने भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस होंगे उसको सबको काटना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये ऐसे ही सोच लिया कि चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया जाए। बट अगर आपने ऐसा बुशी प्लांट बनाने का सोचा है तो आपको नीचे से काटना नहीं है, फिर इसको ऐसे बुशी रहने देना है। बट मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट लुक दूँ, और जिस तरीके का लुक देने का मैं सोच रही हूँ उसके लिए आपको बुशी नहीं बनाना था, ऊपर से कटिंग नहीं करनी थी। मैंने ये पहले काट दिया, मुझसे गलती हुई है। लेकिन अगर आप अगर इस तरीके से नीचे से स्टम्स को इसके ब्रांचेस को खाली करना चाहते हैं तो ऊपर आपका जो शेप है थोड़ी सी आइसक्रीम टाइप जैसे लंबी सी होना चाहिए, ऊपर से बुशी नहीं होना चाहिए जैसा ये है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको नीचे से स्टम्स को बिल्कुल खाली करके डिफरेंट लुक देना है तो ऊपर इसकी सीधी चोटी सी होनी चाहिए, ऐसा जैसे मैंने ये काटा है जैसे ये है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधा ऐसे को ऊपर को खड़ा हो, तो उससे जो है शेप प्लांट की बहुत ही सुंदर लगती है। तो अभी इसकी ये ब्रांचेस को हम एक्स्ट्रा ब्रांचेस को सबको काट रहे हैं। काटने के बाद जो आप जख्म से देख रहे हैं इसमें, हम इसमें लगाएंगे चूना। चूना लगाने से एक तो प्लांट में इस तरह की कटिंग करने से जो जख्म हो जाते हैं उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं फैलता और प्लांट सूखता नहीं है, और दूसरा जो है प्लांट की जो लुक है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अभी इसको हम कटिंग कर रहे हैं। फाइनली इसकी कटिंग करने के बाद जो इसकी जूनिपर की जो हमारी लुक हुई है वो है कुछ इस तरह की। अरे कितना खूबसूरत सा लग रहा है, ये देख लीजिए, ये देखिए। अभी हम इसमें लगाएंगे चूना, ये देखिए। चूना लगाने का फ़ायदा मैंने आपको बताया कि इसमें जो जख्म हुआ है ये देख लीजिए, इसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा और प्लांट ख़राब नहीं होगा। ये मैंने चूना खोल लिया है। चूने की जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा थिक रखें, ये देख लीजिए। और इसके बाद हम इसको ब्रश की सहायता से लगाएंगे प्लांट में। इसको हाथ से नहीं घोलना है, किसी डंडे के सहारे से ही आप इसे घोलें, क्योंकि हाथ से घोलने पर हाथ के फटने का जलने का इसमें दर्द बना रहता है। ब्रश की सहायता से आप इसे इस तरीके से लगाएं। चूने का जो पेस्ट है थोड़ा सा थिक होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि थिक रहेगा तो ये लगेगा भी, और नहीं तो पतला पतला सा जो रहेगा वो बह जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। अरे देखिए ये लगा चुके हैं, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सूखने के बाद इसमें जब वाइट कलर आएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बट आपने ध्यान रखना है कि आपने ऐसी शेप ऐसी कटिंग तभी करनी है अगर आपने इसको बिल्कुल सीधा ऊपर रखा और इसके ऊपर से जो चोटी सी होती है उसे ना काटा हो। चोटी काटने का कारण था प्लांट को बुशी बनाना, बट अब बुशी ना बनाते हुए मैंने थोड़ी ऐसी शेप दे दी, जो कि मैंने कहा कि मुझसे गलती हुई है, बट आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। ब्रश की सहायता से ही आप इसे लगाएं। हाथ से अगर आप लगाते हैं तो हाथ के फटने का और थोड़ा सा चुन्नी के साथ हाथ के फटने का डर रहता है। इसके तनों में अच्छे से लगाएं और जो इसके जख्म है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाए, तो उससे जो है इसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। सारी कटिंग हो जाने के बाद फाइनली जो लुक इसका निकल के आया है वो कि किस तरीके से है मैं आपको दिखाती हूँ। चूना लगाने के बाद प्लांट की लुक जो है बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही खूबसूरत, जैसा मैंने पहले बुशी बनाने का सोचा था उससे भी ज़्यादा ये लग रहा है। बस जो गलती मैंने आपको बताई आप वो ना करें, ऊपर से चोटी ना निकालें और नीचे से इस तरह की कटिंग कर दें। अगर ऊपर से चोटी इसकी कटिंग कर दी है तो बुशी बनेगा, और अगर आपको बुशी नहीं बनाना है तो इस तरह की कटिंग देके आप इस तरीके से इतना सुंदर इसको बना सकते हैं। ये चूना लगने के बाद ये तीनों प्लांट इतने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।